नमस्कार, मैं विनोद दशनव और आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज ग्राम पंचायत बिजपुरी जो कि हतीन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, वहां पर स्थित है केडी कॉन्वेंट स्कूल। वहां पर रियलिटी चेक के दौरान जब देखा गया है तो एक बेंच पर एक बच्चा, लेकिन जब स्कूल के बाहर वैन का हमने जायजा लिया तो वैन के अंदर बच्चे ठूस ठूस कर भरे गए थे। और आप खुद निर्णय लें, अभिभावक निर्णय लें, शिक्षा विभाग के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो वो अधिकारी निर्णय लें, क्या इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकता है? क्या कोरोना काल के दौरान बच्चों का भविष्य, बच्चों की सेहत सुरक्षित है क्या? कौन से स्कूल का नाम बताओ जी? केडी पब्लिक। और कौन से गांव में जी? बिजपुरी। तो बेटा मास्क वगैरह नहीं पहनते हो? रोक, एक बार रोक लो बेटा। कौन सी क्लास पढ़ते हो आप लोग? कुछ नहीं पता आप लोगों को? अच्छा, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है जी। नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत बिजपुरी जो कि हतीन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। यहाँ स्थित है केडी पब्लिक स्कूल बिजपुरी हतीन। आपको हम यहाँ पर कार्यक्रम के दौरान दिखाएंगे, रियलिटी चेक कार्यक्रम जो हमारा है इसके दौरान आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं। हालाँकि हमने इनके कुछ गाड़ियों के, जब इनके बच्चे स्कूल से बाहर निकले हैं तो हमने कुछ गाड़ियों के वीडियोज़ भी लिए हैं और स्कूल में क्या है और वहाँ क्या है सारी चीज़ें हम अलग अलग आपको दिखाएंगे। हो सकता है कि हमारी वजह से ऐसे बिठा दिए गए हो बच्चों को, पूछ लेते हैं बच्चों से। फिर भी बेटा आप लोग रोजाना इसी तरीके से बैठते हो? आज बैठे हो? रोज ऐसे बैठते हो? तो घर से पढ़ना ज़्यादा ठीक है, स्कूल में पढ़ना ज़्यादा ठीक है? क्यों बेटा खड़े होकर बताओ, मास्क नीचे कर लीजिए। क्या नाम है आपका? बोलता है मेरा नाम जतिन है जी। मैं कक्षा 10th का छात्र हूँ जी। तो सर घर तो ऐसी पढ़ाई नहीं हो पाती हमारे गांव के, जैसे गांव से आते हैं हम तो गांव में तो पढ़े लिखे स्कूल में ठीक होता है, स्कूल में बढ़िया से पढ़े जी। बताइए सर, यहीं पे अच्छे होते हैं, टीचर्स भी अवेलेबल होते हैं तो यहाँ पे फ़ोन से भी इतने अच्छा नहीं मिल पाता है। अच्छा, आप रोज़ तो आज बिठाए गए हो हमारे वजह से? ऐसा नहीं कि जानबूझ के आपको कह दिया गया आज मीडिया वाले आएंगे, आप इस तरीके से बैठो। चलो ठीक सर, ये बताइए, एक तो जो हम ये कार्यक्रम जो कर रहे हैं आपकी परमिशन से किया है विदाउट परमिशन? ये सर आप अपने अपनी परमिशन से ही आए हो? हमारी नहीं, अपनी परमिशन से तो आए। आपके स्कूल के अंदर हम जब आए हैं तो आपके आपको बता के किया है? बिल्कुल, ये तो बता के किया। ऐसा नहीं जबरदस्ती आपके स्कूल में? नहीं नहीं, ऐसी नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, किस तरीके से आप लोग बिठाते हैं बच्चों को? सर बच्चों को जैसे भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दे रखी है, फिजिकल डिस्टेंस वगैरह मेंटेन करने का, प्रॉपर तरीके से मास्क लगाना, टाइम से हर घंटे सैनिटाइज, हैंड सैनिटाइज वगैरह कराना, वो सारा कुछ हमारे यहाँ। अच्छा सर, ये बताएं जो बच्चे आपके पास हैं जी, जो बच्चे आते हैं या जाते हैं, जैसे कन्वेंस सुविधा जो है जी, वो आप स्कूल की तरफ से है, वो अपने खुद आते हैं अपने आप? कुछ बच्चे सर जो बड़े क्लासेस के बच्चे हैं हमारे, वो तो खुद ही आते हैं अपने साइकिल वगैरह से, बाकी जो नर्सरी के बच्चे हैं वो। अच्छा, नर्सरी क्लास के बच्चे बुला रखे हैं आपने? नर्सरी क्लास के नहीं आ रहे सर, अभी हमारे पास आ रहे हैं 3rd से 5th तक के बच्चे। थर्ड से फिफ्थ तक के बच्चे आपके पास हैं? तो जैसा कि हमने भी अब कुछ रियलिटी चेक के दौरान देखा कि कुछ वैन, इको वैन जो गई हैं और एक दो और गाड़ी थी उसमें बच्चों को ऐसे भरा हुआ था कि पता नहीं ठूस ठूस के बच्चों को भरा। वो सर दूसरे स्कूल्स के होंगे, हमारे स्कूल के नहीं होंगे। बच्चे बातों से सहमत हो तो ये प्रोग्राम शेयर जरूर करिएगा। ये सारी चीज़ें रियलिटी चेक कार्यक्रम है, परमिशन के साथ दिखाया गया है। बाकी जो हमारे पास वीडियोज और होंगे वो भी आपको खबर के साथ आपको दिखाएंगे। दूसरा, कहीं कोई स्कूल मनमानी करता दिखाई दे तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या को संबंधित स्कूल संचालक, संबंधित विधायक, संबंधित शिक्षा विभाग के अधिकारी तक पहुंचाने का हम कार्य करेंगे। यह है केडी पब्लिक स्कूल बिजपुरी जो कि हतीन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ती है। बाकी आप सभी को तय करना है कि आपने किस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, खुद आपकी जिम्मेवारी बनती है। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू।